पहले वनडे मैच में अपने प्रदर्शन से आलोचना झेल रही भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे में जोरदार वापसी की है और भारत श्रीलंका के बीच सीरीज के दूसरे वनडे में मेजबान टीम के कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला जमकर बोला और रोहित शर्मा ने अपने करियर का तीसरा दोहरा शतक लगाया। मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में जब भारतीय क्रिकेट टीम टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो किसी को यकीन नहीं था कि पिछले मैच में 2 रन पर आउट होने वाले टीम के कप्तान रोहित शर्मा एक नया कारनामा कर जाएंगे। जी हाँ, रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए मैदान में चौके छक्के की बरसात कर दी। रोहित के इस रूप को देखकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की हवा निकल गई। मोहाली स्टेडियम में रोहित शर्मा ने वनडे करियर का तीसरा दोहरा शतक लगाकर कई रिकॉर्ड्स बना डाले। उन्होंने 13 चौकों और 12 छक्कों की बदौलत 208 रनों की नाबाद पारी खेली और इसके साथ ही भारतीय टीम ने श्रीलंका को 392 रनों का लक्ष्य दिया। रोहित शर्मा ने करियर का तीसरा दोहरा शतक लगाकर विश्व क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। आइए अब आपको बताते हैं उनके कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में। 3 दोहरे शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज। अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में 3 बार 200 से ज्यादा रन बनाने वाले रोहित शर्मा दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। इससे पहले उन्होंने 2 नवंबर 2013 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 जबकि 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की पारी खेली थी। सचिन के बराबर पहुंचे रोहित शर्मा। रोहित ने सचिन तेंदुलकर और डेविड वार्नर के एक रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। सचिन और वार्नर ने 5 बार 150 या इससे अधिक रनों की पारियां खेली हैं, वहीं रोहित शर्मा ने भी 5वीं बार 150 से ज्यादा स्कोर बना लिए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।